हेलो नमस्ते सुश्रीयाकाल सलाम वालेकुम केम छो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स आज जो है बहुत ही दिनों बाद मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और उस रेसिपी का नाम है मटर पनीर। वैसे तो मटर पनीर की सब्जी बहुत ही तरीकों से बनाई जाती है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसको बनाने के और जितने भी तरीकों से आप इसे बनाएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि मटर पनीर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। और आज जो मटर पनीर की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो मैं बहुत ही देसी स्टाइल से बनाने वाली हूँ। और इस मटर पनीर की रेसिपी को बनाने की खास बात ये है कि इस रेसिपी को बनाते वक्त मैं बहुत ही कम बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स का यूज करने वाली हूँ और कम इंग्रेडिएंट यूज करके भी ये सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोग के साथ भी क्यों ना शेयर की जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं न्यू लोगों से बोलना चाहूंगी जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स अब ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी कोकोनट ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो आप उसको बना सकते हैं। हमारा जो ऑयल है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें जो है दो प्याज डाल दे रही हूँ और बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसका बस कलर चेंज होना चाहिए। और बस अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम साथ में पका लेंगे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं इसका कलर जो है बहुत ही सुनहरा सा हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक बड़ा सा टमाटर, इसको भी हम इसके साथ ही मिक्स कर देंगे। और मैं इसमें डालने जा रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है तीखेपन को जो है एनहांस कर देगी। इसको भी साथ में हम लोग मिक्स कर लेते हैं। साथ में मैं डालने जा रही हूँ एक चम्मच नमक ताकि जो हमारे टमाटर हैं अच्छी तरीके से गल जाएं। तो इन सभी चीज़ों को जो है मैं अच्छी तरीके से ऑयल में पका लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी। तो इन सभी चीज़ों को तेल में अच्छी तरीके से पकाने के बाद हम जब प्यूरी बनाते हैं ना तो सब्जी का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का लगता है। तो मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से जो है मैंने प्यूरी रेडी कर ली है और इससे जो है हम पूरी अपनी सब्जी बनाने वाले हैं। और फिर से जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है और सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा। थोड़ी देर इसको स्प्लैटर होने देंगे और जीरा डालने के बाद जो है अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और बस इसको डालने के बाद से ही जो है हम अपनी प्यूरी डाल देंगे इसमें। रेड मिर्च डालने से जो है इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा कलर आ गया अभी से। अब इस मसाले को जो है हमें तेल में बहुत अच्छी तरीके से पकाना है। तो फ्रेंड्स दो तीन मिनट जो है मैंने इसे पका लिया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर। एंड हाफ टेबल स्पून जो है इसमें हल्दी, इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो अगर आप लोग चाहें तो जब हम लोग स्टार्टिंग में प्याज लहसुन अदरक को जो पका रहे थे ना उस टाइम पे हम लोग काजू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ काजू को क्योंकि मुझे जो है अपनी मटर पनीर में जो है देसी टच देना है इस वजह से। और मैं जो हूँ इस मटर पनीर की रेसिपी में जो है लिमिटेड चीज का ही यूज करके बनाने वाली हूँ, इसी से जो है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इस प्यूरी को जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है अभी पकाना है। आप देख रहे हैं इसका कलर अभी येलोइश है, इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसकी जो क्वांटिटी है इसकी आधी ना हो जाए। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा ना तो इसका जो कलर है ना वो भी डार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है वो भी रिड्यूस हो चुकी है और इसका जो कलर है वो भी डार्क हो चुका है। अभी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। तो इस प्यूरी को जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है अभी पकाना है। ये देखिए पहले कैसा था, इसका कलर येलोइश सा था और अभी कितना डार्क हो चुका है और क्वांटिटी भी जिसकी कम हो गई है। और आप देख रहे हैं कितना इसने ऑयल जो है लूज आउट किया है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मटर और पनीर।
और अब मैं ऐड कर रही हूँ पनीर। पनीर जो है मैंने इसमें फ्रोजन डाला है। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, और पानी जो है आप उतना ही डालिए जितना आपको थिकनेस चाहिए अपनी सब्जी में। और अब जो है मैं इसे 5 मिनट जो है हाई फ्लेम पे इसे पकाऊंगी ताकि अपने मटर और पनीर जो है अच्छी तरीके से पक जाएं। तो अब जो है 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं कि सब्जी का कैसा कलर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है सब्जी में। और लास्ट में जो है मैं इसमें डालने जा रही हूँ गरम मसाला। और अब जो है मैं इसे ढक दूंगी, 1 मिनट और जो है इसे पका लेंगे और फिर जो है गैस बंद कर देंगे। और बस अब लास्ट में जो है हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो हमारे मटर पनीर की जो सब्जी है पूरी तरह बनके रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, मटर पनीर जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। इसे हम रोटी, पराठा, नान, जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और जल्दी ही मिलूंगी आपको अपने एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल which is Steve Law।